अभी हम लोग का पूजा खत्म हुआ, आप देख सकते हैं जस्ट अभी जो ना हम लोग का पूजा खत्म हुआ है और हम लोग माँ दुर्गा की और माँ गायत्री की आराधना किए हैं और 9 दिनों तक अनुष्ठान का संकल्प लिए हैं कि कहीं हम लोग का जो ना संकल्प अच्छे से माँ दुर्गा और माँ गायत्री शक्ति दे, शक्ति प्रदान करें इस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए। मैं संकल्प लिया हूँ कि 24,000 मैं गायत्री मंत्र जपूंगा। और इस पूजा की खास ये रहा कि मैं अपने रूम में कलश स्थापना किया हूँ और मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इन लोग की काफ़ी भागीदारी रहा यहाँ पे एक दूसरे को हेल्प करने में, एक मतलब अहम भूमिका जो होती है ना वो रहा, और इन लोग की भागीदारी से ये पूजा अभी संपन्न हुआ आप देख सकते हैं। और ये बच्ची लोग हो गए, ये लोग की काफ़ी योगदान रहा, ये लोग भी अनुष्ठान में है। ये मेरा प्यारा सा अंकित बाबू है, ये जो है ना ये 7 बजे ही यहाँ पे पहुँच गया था। आप सोच सकते हैं कि कितना इनको जन जिज्ञासा था, और इनकी स्कूल खुली हुई थी लेकिन स्कूल नहीं गया और यहाँ पे आके हेल्प किया। और ये जो है ये अंजलि है, तो अंजलि पूजा कैसा लगा तुमको? तो अनुष्ठान तुम भी ली हो, कितने दिन के लिए अनुष्ठान करोगी? 9 दिन के लिए। क्या अनुष्ठान में मन लगेगा? बिल्कुल लगेगा, अच्छे से करना है, आपकी मनोकामना पूरा हो। ये रह गई मुस्कान, तो बताओ मुस्कान अभी जो संकल्प ली, ये संकल्प को पूरा कंप्लीट करेगी? 9 दिन तक गायत्री माता की आराधना करेगी माँ दुर्गा के। देखो कहा जाता है क्या सो सारी देवी एक ही होती है, जितने भी देवी है सारी देवी देवताएं एक ही होते हैं, बस उनके रूप अलग है, अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। आप माँ कहते हैं तो दुनिया की जितने भी माँ हैं सारी माँ आ जाती है, ज़रूरी नहीं कि माँ दुर्गा माँ गायत्री, सभी माँ माएँ होती है, बस उनकी रूप अलग है। और आप इधर देखेंगे ये रह गई मुस्कान, तो मुस्कान बताओ अभी पूजा में कैसा, मतलब जना संकल्प जो ली है क्या गायत्री माँ की आराधना माँ दुर्गा की 9 दिन तक करेगी? हाँ करे, बिल्कुल करना, क्योंकि होता है क्या देखिए 365 दिन में हम लोग जो है ना हर तरह के काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग का जो है भागीदारी होनी चाहिए किसमें, एक माँ की आराधना में, माँ की पूजा में, ताकि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो। ये रह गई अंजलि, तो अंजलि अभी पूजा में बैठी हुई थी, क्या माँ की पूजा 9 दिनों तक करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए यहाँ पे जितने भी बच्चियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे के घर पे ही पूजा हो रहा था जिनके कारण यहाँ पे नहीं आ पाया। दूसरी बात है मैं बता दूँ कि मेरा रूम बहुत छोटा है और यहाँ पे स्पेस भी नहीं था, कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो मैं इनवाइट भी कर दिया और आ भी जाता तो मैं बैठाने में असक्षम हो जाता, ठीक है। हमारे जो ना मकाम मालिक आंटी जी थी वो आई हुई थी और पूजा जैसे कंप्लीट हो चली गई। तो ये रहा मेरा एक क्या नाम है इसका नाम मैं बोल रहा हूँ, ये शिवानी, ये भी बच्ची काफ़ी, इस बच्ची का भी काफ़ी योगदान रहा। और मैं तो यही कहता हूँ माँ दुर्गा से कि सारे बच्चे की मनोकामनाएँ पूरे, साथ ही साथ मैं भी मेरी भी जो सपना है वो भी पूरा हो। ये रहा आप, मैं थोड़ा सा अपने रूम को दिखाता हूँ, देखिए ये छोटा सा मेरा रूम जिसमें मैं कोशिश करता हूँ इसी को डेकोरेट करके अच्छे से सजा के रखूँ। ये मेरा बेड हो गया और मैं यहीं पे सोता हूँ। और ये देखिए मैं पूरे दिन बिजी रहता हूँ, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ जिसके कारण मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं अपने लिए कुछ अध्ययन करता हूँ, साइड से पढ़ाई करता हूँ। ये हो गया, ये मेरी सारी बुक हो गई। और आप देखिए होता है क्या कि अपने बॉडी के लिए थोड़ी सी जना कर लेना चाहिए, जैसे लड़की लोग करती है मेकअप वगैरह करती है, तो मैं भी थोड़ा सा फेस वाश वगैरह लगा लेता हूँ, क्रीम वगैरह लगा लेता हूँ जो यहाँ पे है। और ये जो ऊपर में आप देख लेंगे हैप्पी क्या है यहाँ पे है, थैंक यू सर, ये हमारे जो अभी क्या 5 सितंबर को शिक्षक दिवस में बहुत सारे बच्चे गिफ्ट किए हैं, ये आपको जो भी यहाँ पे दिख रहा है बच्चे का गिफ्ट है, आप देखेंगे थैंक यू सर। इधर जो है ना हो गए आपका जो ना कपल्स के, ये स्टूडेंट हैं कोई और, मतलब जब कहीं और से मिला था ये कपल्स का जो है। और यहाँ पे देखेंगे वाच प्यारा सा, तो ये बच्चे का योगदान है, बच्चे का दिया हुआ एक जो एक माना जाए तो उपहार। और ये आप देखेंगे इस तरह का छोटा सा रूम है, ज़्यादा जगह स्पेस नहीं है, देख सकते हैं मैंने सारा दिखा दिया। और ये इधर से भी दरवाज़ा, मैं इधर से भी निकल सकता हूँ लेकिन ये दरवाज़ा मैं बंद रखता हूँ। दूसरा दरवाज़ा ये रहा आप देखेंगे, और इधर से इन करता हूँ तो मैं दूसरे रूम में प्रवेश करता हूँ। और दूसरे रूम में प्रवेश करने के बाद कहा जाए तो दूसरा रूम प्लस किचन दोनों साथ ही है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है। और इधर जो है ना ये किचन एक तरह से कहा जाए तो इसी में किचन बना दिया गया है, आप देखेंगे ये मेरा जो है ना किचन हो गया है, किचन और छोटा सा रसोई घर जिसमें मैं अपने सारे सामान को संयोजित करके रखा हूँ, व्यवस्थित करके रखा हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, कभी कभी जो ना काफ़ी परेशानी हो जाती है, ठीक है। मैं 1 BH का रूम लिया हुआ हूँ, ये मेरा हो गया बेसिन, और ये मेरा हो गया फिल्टर जहाँ इससे मैं जो ना पानी डाल के फिल्टराइज करके पानी पीता हूँ। ये जो है ना ये
बाथरूम का गेट है, वॉशरूम।